जय जोहार संगवारी हो, आप सभी के स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स पर। आज हम देखने वाले हैं, देखिए छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती परीक्षा 2023 मेंस की तैयारी। हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लास कराया जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी मैं रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना है कि आगामी होने वाली भर्ती परीक्षा की तैयारी, हमारे चैनल पर एक न्यू बैच क्लास स्टार्ट हुआ है 6 फरवरी से। जैसे कि आप देख सकते हैं 6 फरवरी रात 8:30 बजे, यानी कि आज आपका 6 फरवरी है। आज से आपका इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लास कराया जाएगा। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से कर लीजिएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री कराया जाएगा मेंस के लिए, ठीक है। प्री का एग्ज़ाम आप लोगों ने अच्छे से दिलाए होंगे। कटअप के बारे में बात करें तो जिन लोगों का कटअप 50 से ऊपर है तो मेन्स की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। साथ ही आज हमारा क्लास होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन देखेंगे मैथ्स से, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हमारा क्लास रहेगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से। मैथ्स का ट्रिक बताने वाला हूं और बिल्कुल एकदम सटीक क्वेश्चन बताऊंगा, जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएँ बनती है। साथ ही कहना चाहूँगा कि PSC का जो एग्ज़ाम है आपका 12 फरवरी को होने वाला है और सब इंस्पेक्टर प्री का जो एग्ज़ाम है आपको हो चुका है, ठीक है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं आगामी एग्ज़ाम, जैसे हॉस्टल वार्डन हो गया है, अमीन पटवारी हो गया है, ADO हो गया है ना, तो जितने भी PSC व्यापम की तैयारी करना चाहते थे, हमारे चैनल पर आज से नया बैच प्रारंभ हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब इसको छोड़ो, हम आज देखेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से, जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, ठीक है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपका मैथ्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ओके। तो चलिए पहला प्रश्न है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। देखिए एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। कोई धन है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो वह इधर कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। एकदम सरल बताऊंगा, फार्मूला बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर हम निकालेंगे। एग्ज़ाम में आपके पास 1 मिनट का समय रहता है ना, कितने समय रहता है, 1 मिनट का समय दिया जा रहता है, उसमें आपको फटाक से आंसर लाना होता है। तो देखिए कैसे हम इसका आंसर लाएंगे, ठीक है। तो देखिए कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाता है, कितना, 3 वर्ष में अपने का कितना गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो वही पूछा है कि कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसके लिए गुनी का फार्मूला मैं आपको बताया था, तो गुनी माइनस वन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए 3 वर्ष में अपने का 3 गुना, यानी कि 3 वर्ष में 3 गुना, यानी कि गुनी माइनस वन करेंगे तो कितना, 3 में अगर 1 घटाएंगे कितना, 2, तो उसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुना, ठीक है। उसी पर कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, तो देखिए 3 का हम वर्ग करेंगे तो ये आपका 9 गुना हो जाएगा। 3 का वर्ग यानी कि 3 का 3 बार गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 3 * 9, तो जो ये यहाँ पर आया है उसको इससे गुना कर देंगे तो 3 * 6, तो कितने वर्षों में, 6 वर्षों में आपका 9 गुना हो जाएगा। अगर पहला वाला सब्जेक्ट में आपको समझ में नहीं आएगा पहला वाला क्वेश्चन में, तो मैं सेकंड क्वेश्चन में अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, ठीक है। 5 वर्ष में आपका 2 गुना हो जाता है, तो वह उसी दर पर 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, तो 2 का हम 3 बार गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 8 गुना, ठीक है। तो 2 का 3 बार कैसे गुना करेंगे, 2 * 2 * 2 करेंगे, देखिए 2 * 2 = 4 और 4 * 2 = 8, जो यहाँ पर 3 आया है उसको 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 * 3 = 15, ठीक है। तो कितने वर्षों में आ जाएगा, 15 वर्षों में आपका 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर, वह धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 800 तथा 4 वर्ष में 840 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। क्या कह रहा है, वह धन राशि ज्ञात करना है जो चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 तथा 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 840 और 800 में क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे, तो इसका कितना आ जाएगा, 40,
840 में हम 800 को घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 40 बचेगा। तो 40 आपका यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य है, ठीक है। 100 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। कभी भी एग्जाम में आता है, लाभ हानि हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो साधारण ब्याज हो, हमेशा 100 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो प्रारंभिक मान कितना है आपका 800 रुपये, ठीक है। प्रारंभिक मान कितना है आपका 800 रुपया, तो हम 800 को नीचे लिख देंगे और कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जीरो को जीरो, दो जीरो कट गया, यहाँ पर दो जीरो कट गया, ठीक है। अब 8 × 5 = 40 कितना आ गया 5। तो इसका वार्षिक हुआ धनराशि जो चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष में 800 हो जाता है, 4 वर्ष में 840 हो जाता है, तो उसके ब्याज की जो वार्षिक दर है आपका 5% होगी। कितनी है 5%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 672 रुपया तथा 3 वर्ष में 714 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैं तीसरा क्वेश्चन बताया था वैसे ही सेम बनने वाला है, ठीक है। अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और जिनको नहीं पता है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, कोई धन 2 वर्ष में 672 रुपये, ठीक है, 2 वर्षों में, और 3 वर्षों में 714। तो ठीक है, 714 में अगर 672 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अगर इनमें घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 42, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 42, एक मिनट ना, ये आपका हो जाएगा 42, इसको मैं एक नेक्स्ट में डाल देता हूँ, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 42 × 100। अब प्रारंभिक मान कितना है 672, ठीक है। तो 672 को यहाँ पर कर लेते हैं, कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल कैसे करेंगे, देखिए 42 से इसको पहाड़ पड़ेंगे, कितना बार में जाएगा 16 बार में जाएगा, तो 16 बार में कट जाएगा 672, ठीक है। अब इसको फिर से काटेंगे तो ये आपका फिर से देखिए इसको किससे काट सकते हैं, 4 से 4 = 16 और ये 25 = 100, कितना बच रहा है आपके पास 25/4, ठीक है। इसको छोटा रूप में और लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 4×6 = 24 और 1, यानी कि 6 सही 1/4। या फिर अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा तो इसको टिक लगाइएगा, या फिर ये वाला रहेगा तो इसको टिक लगा सकते हैं। तो ब्याज की जो वार्षिक दर है 25/4 या फिर 6 सही 1/4 होगा। मैं आप सभी के लिए 4 से 5 क्वेश्चन लेकर आया था मैथ सर से, ठीक है। तो ऐसे ही ये आपका छोटा सा नमूना था, ठीक है। तो डेली क्लास करने के लिए अब कल से आपका आधा घंटा एक घंटे का क्लास लगेगी। ये आपके लिए छोटा सा नमूना लेकर आया था मैथ सर की क्लास, जो कि आपकी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम डेली क्लास करेंगे, टाइमिंग की बात करें तो 7:30 बजे और 8:30 बजे, ठीक है। वीडियो को एक बार लाइक करके रख लीजिएगा डेली क्लास करने के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।